भारत ने तबाहतोड़ एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय ने अब असली एक्शन मोड में दिखाया 70 सालों के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह है भारत ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए ना, इतने बड़े बड़े कदम, शायद ही जो डिप्लोमेट्स रिटायर हो चुके हैं भारत सरकार के, शायद उन लोगों ने कभी सोच कर रखा होगा कि भारत सरकार में ऐसा कोई मंत्री बैठेगा या भारत सरकार का ऐसा कोई प्रधानमंत्री बैठेगा जो ऐसे सॉलिड डिसीजन को भी लेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में फिर से एक बार भारत ने और एकदम ताड़ा लिया है। उस एक्शन की मांग भी थी बहुत दिनों से, वो एक्शन क्या लिया है? मैं उस एक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। भारत ने रशिया से भी व्यापार एकदम रोक दिया डिफेंस के मामले में, कि खुद हम इनोवेट करेंगे, हमारे देश के बच्चे इनोवेट करेंगे, हमारे देश के लोग इनोवेट करेंगे और फिर हम अपने डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे और हमारे मैन्युफैक्चर करने के लिए DRDO की हमारी टीम तो बैठी हुई है। भारत ने अभी तक तो सिर्फ रशिया के साथ ही चल रहा था कि हम इनके इस मार्केट को रोक रहे हैं, हम इनके ये चीज़ को रोक रहे हैं। भारत ने अब अमेरिका को भी अपनी लाल आंखें दिखा दी हैं। भारत मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और रूस के साथ MiG-29 फाइटर जेट डील को भी रद्द कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रूस से MiG-29 लड़ाकू जेट और भारतीय और अमेरिका से P-8 विमान सहित कई विदेशी रक्षा अनुबंधों की समीक्षा शुरू कर दी है, मतलब उसकी जांच फटा स्टार्ट कर दी है। भारतीय मीडिया ने शनिवार को सूत्रों का हवाले से बता दिया है कि एजेंसी के अनुसार रक्षा मंत्रालय बाय ग्लोबल श्रेणी के तहत सभी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा कर रहा है, जिसमें भारतीय सैन्य औद्योगिक परिसर की भागीदारी के बिना हथियार उत्पादों के सीधे अनुबंध शामिल है, जिसमें या तो स्क्रैप या पुट शामिल है। घरेलू हथियार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें से कुछ पर रोक लगा दी गई है। जिन अनुबंधों की समीक्षा की जा रही है, मतलब जिन बॉन्ड्स की टेस्टिंग और जिन बॉन्ड की जांच इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि सही है या नहीं है, ये तो उन लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया टाइप का बता रहा हूँ, उनमें लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली टो किए गए हैं, तोपखाने के टुकड़े, ऊर्ध्वाधर लॉन्च, सतह से हवा मार करने वाले मिसाइल, मानव रहित हवाई प्रणाली, अतिरिक्त निगरानी बोइंग PAT विमान के साथ साथ MiG-29 विमान लड़ाकू विमान भी शामिल है। भारत ने जनवरी 2009 में 8 बोइंग P-8 पोसाडाइन समुद्री टोई विमान की खरीद के लिए अपना पहले अनुबंध पर सिग्नेचर किया था 2019। अभी मैंने आपको 2009 की बात बताई, नवंबर 2019 में भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने 10 और ऐसे विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसमें से 5 दिसंबर तक भारत को वितरित कर दिए गए थे 2021 में। जुलाई 2020 में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अन्य विमानों के अलावा रूस के 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। फरवरी में, जो फरवरी 2021 का था, उसमें सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए रूसी संघी सेवा के लिए यूनियन फेडरेशन जो हैं उनके सेवा ने भारत सरकार से ये कहा था कि और अतिरिक्त विमान खरीदने का फैसला आपने लिया, जो भी हम आपका उसमें साथ देंगे। भारतीय वायुसेना को जोड़ना और प्रासंगिक बोली प्रक्रिया पर निर्णय लेने की तैयारी है। अब जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये द यूरोशियन टाइम्स की अकॉर्डिंग रिपोर्ट बताई जा रही है कि अब भारत ने अपनी कमर को और कस लिया है। भारत अब रशिया पर नहीं, भारत अब दुनिया के हर उस देश पे रोक लगाने वाला है, जिससे कुछ ना कुछ, इसराइल को भी भारत ने नहीं छोड़ा है, इसराइल पर भी कहीं ना कहीं, मैं आपको एक और स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, इसराइल पर भी उसने कुछ ना कुछ भारत ने अपना एक्शन ले लिया है, ठीक है। छोटे विमान पर, छोटी चीज़ों पर हम लगाएंगे, लेकिन हम रोक ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब दुनिया को मैसेज देना ज़रूरी है कि भारत जो है अब इनोवेट कर सकता है, भारत अब अपनी टेक्निक और अपनी टेक्नोलॉजी दोनों को आगे बढ़ा सकता है, और किस हद से बढ़ा सकता है अभी रशिया को मालूम चल चुका होगा शायद। इस वीडियो पे आपका क्या मानना है और अमेरिका और भारत के रिलेशंस अब इंटरनेशनल पैसिफिक में कैसे जाने वाले हैं, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।